ये से रूपा जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर तो देख रहे हैं आज ग्वार और ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों ही सुस्ती के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं, अपने ऊपरी स्तर से कहीं ना कहीं फिसलते नजर आए हैं। रूपा जी हमने एनसीडीएक्स को ग्वार पर फैसले लेते हुए देखा है, एडिशनल सर्विलेंस मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आया और जनवरी से अब तक ग्वारगम ने 105% से ऊपरी का मुनाफा भी दे दिया है। तो रूपा जी ऐसे में आपको क्या लगता है ग्वार गम में और ग्वार सीड में क्या एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए जिस तरीके से एनसीडीएक्स पर एडिशनल मार्जिन लगा दिया गया है उसका ही असर है कि ग्वार लगातार 2-3 दिन से लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है और जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। 13,000 के ऊपर से आप देखिए 11,000 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पर गिरावट मुझे नहीं लगता कि थमेगी रुकेगी, गिरावट जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि यहाँ से वापस से बाउंस बैक आएगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो ट्रेडर्स काफी एक्टिव हैं बाइंग के लिए, लेकिन जो ये एडिशनल मार्जिन लगाया गया इसके चलते वायदा में गिरावट जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये गिरावट जो है 11,000 या 10,800 तक आकर रुकती हुई नजर आ सकती है। तो दिसंबर वायदा ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से लुढ़कता है तो आप मान के चलिए कि 10,800 तक की गिरावट हो सकता है दिखा दे, जैसे हमने कल इसमें गिरावट आते हुए देखी है। हो सकता है एक दो ट्रेडिंग सेशन में दबाव बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि वापस से बाउंस बैक आएगा ग्वार के अंदर और वापिस से 13,000 के स्तर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सीड में भी वापिस से 6,800 से 7,000 का स्तर संभव है। तो जो भी डिप आती है उस डिप के अंदर बाइंग करना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में इंट्राडे में आज थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, लेकिन गिरावट के अंदर बाइंग करें तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तेजी इसमें बनी रहेगी नो डाउट, इसमें बहुत ज्यादा फिलहाल सस्टेनेबिलिटी नहीं है गिरावट की, तो मुझे लगता है कि गिरावट के अंदर इसमें खरीदारी की तरफ जाना चाहिए। जी